दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। इसमें आप लोगों का 100% सही पेपर आपको मैं बता रहा हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपकी किताब पर आधारित नहीं हो। सारे के सारे प्रश्न आपकी किताब पर आधारित है। यहाँ पर विज्ञान विषय का सुबह आपका पेपर है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे के सारे आप लोगों को कंप्लीट करने रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। प्यारे बच्चों, इसमें आपका सबसे पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्यारे बच्चों, आपके ऑप्शन है फोकस पर, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, अनंत पर या फिर वक्रता केंद्र पर। सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपको एक बात मैं बता देता हूँ, हमारा जो ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन, इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस पर मैंने कक्षा 10वीं वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 12वीं वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए कोर्स अपलोड कर दिया है। तो जाकर आप जल्दी से जल्दी मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। चैनल के अबाउट सेक्शन में भी हमने इसकी लिंक दे रखी है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो आपका ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। ये वाला आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न जो दिया है उस पर आप ध्यान देंगे सभी। मानव नेत्र कार्य करता है, मानव की जो आंखें हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है। मानव नेत्र कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से? आपके ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी की तरह, कैमरे की भांति, दूरदर्शी की तरह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आप लोगों को उत्तर में लिखना रहेगा मानव जो नेत्र है वो सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, मतलब कि हमारी जो आंखें हैं ना वो सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है और थर्ड प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ मैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें हमारा पाया जाता है मस्तिष्क प्लस मेरु रज्जू। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों की एनुअल एग्जाम तक हम आपको सबसे बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराकर हम देंगे, जो आपकी परीक्षा से ही रिलेटेड रहेगा। इसमें 100% आपकी किताब पर आधारित चीज़ें मैं बताऊंगा। कुछ भी आप लोगों को ऐसे गलत जानकारी हम नहीं देते हैं, ये हमने पहले भी आप लोगों को बताया है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ चुका है, धारा मापी यंत्र जो है उसका नाम आपको इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट उत्तर अमीटर जो है ना, ये अमीटर, इसको धारा मापी यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा सहजीविता का उदाहरण। सहजीविता जो है इसका आपको क्या लिखना है, इसका आपको प्यारे बच्चों उदाहरण लिखना रहेगा, जो कि आप लोगों का करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन क्या है, सहजीविते का उदाहरण आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है स्क्रीन के सामने। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर आपको समानांतर क्रम बताना रहेगा, समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपका पहला प्रश्न, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस, जो पॉप ध्वनि से जलने वाली जो गैस होती है उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप उत्तर के रूप में बताएंगे। मनुष्य जीव है, तो मनुष्य जो है ना इसमें सर्वाहारी जीव है, सर्वाहारी। संतरा में अम्ल उपस्थित होता है, तो दोस्तों जो साइट्रिक अम्ल है वो उपस्थित होता है काई में, तो आपको संतरा बता देना है। इसके बाद में देखो साइट्रिक, यहाँ सिट्रिक भी आप इसमें लिख सकते हो एक अच्छे से उत्तर के तौर पर। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ऐसे आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। इसके बाद शुद्ध सोना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, ऐसा आप उत्तर में याद रखना। कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो इसमें आपको 4 बताना है करेक्ट आंसर के तौर पर।